अगर आप अपने लिए एक अच्छी और सुरक्षित कार लेने जा रहे हैं तो फैसला सोच समझ कर कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई हादसा हो जाए, उसके बाद आपको गाड़ी की असलियत पता चले। और कुछ ऐसा ही हुआ है महिंद्रा कंपनी के साथ, जहां एक मुकदमा होने के बाद कंपनी ने अजीबोगरीब तर्क दिए हैं। दरअसल कानपुर निवासी राजेश मिश्रा के बेटे डॉक्टर अपूर्व मिश्रा 14 जनवरी 2022 को अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी से लखनऊ से कानपुर जा रहे थे। घने कोहरे की वजह से उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और एयरबैग ना खुलने से अपूर्व की मौत हो गई। भीषण टक्कर के बावजूद स्कॉर्पियो का एयरबैग नहीं खुला था, जिसकी वजह से अपूर्व को बचाया नहीं जा सका। इस मामले में अब महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद महिंद्रा की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। गाड़ी पलटने पर एयरबैग नहीं खुलेगा, सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मैनुअल में लिखा है कि गाड़ी में पीछे से साइड से पलटने पर भी एयरबैग नहीं खुलेगा। एक का प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने कहा है कि गाड़ी पलटने पे एयरबैग नहीं खुलते और ये गाड़ी पलटी हुई है और पलटने से ही डेथ हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। गाड़ी सामने से लड़ी है, लड़ने के बाद पलटी है, तो एयरबैग तो खुलने ही चाहिए थे। और मैनुअल भी मैंने देखा तो उन्होंने बताया है कि साइड से लड़ने पर नहीं खुलेगी, पीछे लड़ने पर नहीं खुलेगी, ऊपर से लड़ने पर नहीं खुलेगी, ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन गाड़ी सामने से लड़ी है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या जब गाड़ी लड़ने पे एयरबैग नहीं खुलेंगे तो क्या कंपनी के डायरेक्टर्स आके ही एक्सीडेंट पे एयरबैग खोलेंगे? मुझे तो यही लगता है इनकी बातों से, जैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एयरबैग ऐसे खुलेंगे वैसे खुलेंगे। हालांकि उन्होंने हमको दिया है लीगल नोटिस में, तो वो मैं कोर्ट अप्रूव करूंगा कि एयरबैग कब कैसे खुले। ऐसे में पीड़ित पक्ष के वकील ने तर्क देते हुए कहा कि अगर किसी तरह से एक्सीडेंट में एयरबैग नहीं खुलेगा तो क्या कंपनी के डायरेक्टर आकर एयरबैग खोलेंगे? फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट के पाले में जा चुका है, लेकिन एक बात जरूर है और एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई भी गाड़ी अगर ली जाती है तो उसका सबसे बड़ा जो सुरक्षा फीचर होता है वो एयरबैग होता है, और जब एक्सीडेंट सड़क पे हो तो ये नहीं पता होता कि एक्सीडेंट किस तरफ से होगा। ऐसे में अगर कोई कंपनी ये कहती है कि आगे से हो, पीछे से हो, ऊपर से हो, कहीं से भी एक्सीडेंट हो या गाड़ी पलटने से एक्सीडेंट हो तो उस पर एयरबैग नहीं खोलेंगे, तो फिर ये एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है।